चालू करो, चालू करो, चालू करो। जलापूर्ति योजना के कार्य को जल्द मुकम्मल करने की मांग को लेकर बागबेड़ा के लोगों ने निकाला विशाल पैदल मार्च। बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर रविवार को विशाल पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च बागबेड़ा के लोगों ने निकाला। पैदल मार्च लाल बिल्डिंग स्थित दुर्गा पूजा मैदान से स्टेशन चौक तक निकाला गया। पैदल मार्च में शामिल लोग हाथों में खाली बर्तन लिए हुए थे और मांग कर रहे थे कि बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाए। गौरतलब है कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना की नींव साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी। अब तक इसका निर्माण कार्य अधूरा है। 237 करोड़ रुपये में योजना को पूरा होना था। 2011 करोड़ रुपए तत्कालीन कार्यकारी एजेंसी ILFS को भुगतान किया जा चुका है, फिर भी निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। इधर बीच में फिर 57 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि गर्मी का मौसम आ चुका है, पानी का जल स्तर नीचे जा चुका है, 3 लाख की आबादी प्रभावित है, लोग फिर इस गर्मी में पानी को लेकर परेशान होंगे। पूर्ति योजना पिछले 2 वर्षों से काम बंद है। पुराने एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करके हटा दिया गया, नया एजेंसी नियुक्त किया गया है। 51 करोड़ रुपया भी सरकार के द्वारा आवंटित की गई है, लेकिन नए एजेंसी के द्वारा काम नहीं शुरू किया जा रहा। यदि हमारा काम अभी नहीं शुरू करेंगे तो जो हम लोग को रॉ वाटर के लिए पाइपलाइन पार होना है बड़ौदा घाट में, उस पुलिया का निर्माण नहीं हो सकेगा, फिर हमारा ये योजना 1 साल तक रुक जाएगा। हम लोग पिछले दिनों 1 दिवसीय उपवास करके सरकार को जगाने का काम किए थे, PSD विभाग को जगाने का काम किए थे। उन्होंने कहा था 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 15 दिन बीतने को है, आज काम शुरू नहीं हुआ है। आज हम लोग तमाम बागबेड़ा कीताडी घागीडी के लोग आज हम लोग पदयात्रा निकाले हैं, विशाल पदयात्रा ये निकला है। इसके बाद भी हमारा काम यदि नहीं शुरू करती है विभाग, हम लोग बागबेड़ा से लेकर DC ऑफिस तक मानव श्रृंखला बनाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग योजना के काम को शुरू करा के ही दम लेंगे।